जिला कलेक्टर को पत्र दे दिया है, सभी को निमंत्रण पत्र दे दिया है और अब हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। मंदिर की व्यवस्था देखनी है और क्षेत्रीय वार्ड पार्षद महोदय मुरली जी को हमें पत्र देना है, गुलाबी जी देवी जी को आमंत्रण करना है, उसके लिए हम निकल पड़े हैं सभी साथी। और देखिए सभी साथी जाते हुए, तो जिला कलेक्टर का ये पूरा दफ्तर है, कार्यालय है, कलेक्ट्रेट है। सभापति जी को पत्र देके उनसे साफ सफाई की अपेक्षा की है कि वो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। नगर आयुक्त को हमने कहा है कि स्वच्छता मंदिर के आसपास बिल्कुल सफाई अच्छी हो जाए, शौचालय जो है वो रहे। और आप देखिए कि लगातार जो है जनप्रतिनिधि को और अभी हम व्यापार मंडल को और तमाम धर्म प्रेमियों को सभी को आमंत्रण करने वाले हैं कि इस कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हर साल साल में एक बार ही आता है, लगातार इसके लिए एक महीने पहले ही इसकी तैयारी की जाती है। समाज के लोगों को जन सहयोग और भामाशाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम लगातार सब पर हो रहा है। मंदिर परिसर की लगातार शोभा जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा लगता है कि समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए कहीं ना कहीं आस्था हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आस्था ईश्वर में रहेगी। हमारे पूर्वजों ने जो मंदिर बनाया है 370 साल पहले, भी इतनी बड़ी सोच थी उनकी, 370 वर्ष पहले ही वो इतना अच्छा सोचते थे। और आज देखिए सभी भाइयों के सहयोग से लगातार काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमने वो दिन भी देखे हैं जब हम 18 साल पहले लोगों से एक एक रुपया, दो दो रुपया, दस दस रुपये लेके कार्यक्रम किया और करते आए हैं। और 18 सालों से आज ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा जो इस बार होने जा रहा है कि सब गांव अपने लेवल पे जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई गांव भोजन दे रहा है, कोई गांव प्रसाद दे रहा है, कोई गांव तस्वीरें दे रहा है, कोई गांव मोमेंटो दे रहा है, यानी कोई खीर दे रहा है, कोई पूड़ी दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जागृति हुई है, गाँवों में एक सोच बढ़ी है। हमारे इस प्राचीन मंदिर को लेकर लोगों की विचार बदली, कैसे बदला, देख लेना, कैसे बदला विचार, कैसे बदले लोगों के, कितना टाइम लगा बदलने? विचार तो 4-5 सालों में ही बदला है। पहले तो कोई नहीं जानता था इस मंदिर के बारे में, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ खड़ा करेंगे और आएगी हमारी समाज पूरे राजस्थान से यहाँ आएगी। विरोधियों ने, सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। विरोधियों ने अपनी ताकत लगा दी हमको गिराने में, लेकिन ठाकुर ने पूरी ताकत लगा दी हमें उठाने में। ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। तो देखिए जितना उन्होंने हम पे आरोप लगाए, जितना हमारे को किया, पकड़ किया, उतने ही हम ज्यादा उठे, उतने ही दम से काम किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे उन विरोधियों को, हमारे उन उचित हितेशों को, जिनकी मदद से हम इतना काम कर पाते। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद।